कोचिंग करने गई वहाँ पे, मेरे को एफबी के दौरान वो मतलब प्रपोजल लगता था, मैंने उसका एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर शादी का मैंने बोला मैं जिससे शादी करूँगी उसी के साथ मतलब बातचीत करूँगी वो, तो उसने पहले मेरे को फंसाते गया, फंसाते का टाइम हो गया। फिर उसके बाद उसने प्रपोज किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर एक्सेप्ट करने के बाद मैंने और वो मतलब हाथ लगाने की बातें अश्लील बातें करता था, तो मैंने मना कर दिया था मैं जिससे शादी करूँगी उसी के साथ सब कुछ करूँगी। उसके बाद भी वो बोलता रहा हाँ ठीक है मैं तेरे से शादी करूँगा, ये फालतू बातें करके मेरे को शादी का बोल के 3 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा और मानसिक तौर पर मेरे को प्रताड़ित भी किया। उसको मैंने बहुत कुछ फोर्स किया कि मैं तुम्हारे नहीं नहीं रह पाऊँगी, उनको 1-1.5 साल से बताती रही। उसके बाद भी हमारे बीच में इतने झगड़े हुए कि उन्होंने मेरे ऊपर दाल तक फेंक दी, फिर भी मैंने सब सहन किया। उसके बाद मेरी लिमिट क्रॉस हो गई, फिर मेरे को घर वालों को बताना पड़ा। और फिर FIR के मतलब हम लोगों ने FIR की थी अक्टूबर वगैरह में की थी, तो लड़के ने कहा था कि हाँ मैं शादी करूँगा, एग्रीमेंट पे भी उसमें सिग्नेचर कर दिया। किसने कहा? लड़के ने, लड़का नाम जयेश मोरे ने कहा कि हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मम्मी को भी बोला आंटी जी इसका ध्यान रखना, बोले कि मैं शादी के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, 10 महीने का टाइम चाहिए, मेरे मम्मी पापा को मैं मनाऊंगा और फिर 10 महीने बाद इसको ले जाऊँगा। अभी मैं वहाँ पे मतलब ज्वाइनिंग पर हूँ, मेरे को रूम वगैरह की थोड़ी दिक्कत है, तो बोले अभी एक बीमार भी है, आप लोग उसकी केयर करना अच्छी हो जाएगी, तो मैं खुद इसको मतलब शादी के लिए करके लेके जाऊंगा। और अब फोन पर बोल रहा है कि कौन सी लिखा पड़ी और क्या लिखा पड़ी, मैं तो कुछ नहीं ऐसा बोला, मेरे को नहीं करना है शादी। और उसके पापा को फोन लगाया जितेंद्र मौर्य को, बोले तुमको जो करना है वो कर लो, मेरे लड़के से तुम्हें बात नहीं कर रहा हूँ, फालतू बातें कर रहे थे। और कभी कभी तो ऐसी खबरें आती है कि मेरे को मतलब जान से मारने की, कभी फैमिली का बहुत टेंशन रहता है, बोल रहे कि किंदो का घटना स्थल है वहाँ पे होगी, यहाँ पे नहीं होगी, ये वो डरा डरा के चिल्ला चिल्ला के भगा देते हैं। कितने बार ऐसे करना है? बहुत बार आ गए। हर बार क्या बोलते हैं? हर बार यही बोलते हैं कि पहले तो फर्स्ट टाइम करा था तो यूँ बोलते हैं कि आप पहले लड़के से बात कर लो, समझौता कर लो, बोले कि वो आ गया है वहाँ पे, खरगोन आ गया है, बोले कि समझौता कर लो। और समझौता वगैरह करा और फिर उसके बाद हम लोग वापस आए, लड़का मना करा तो बोले कि तुमने हमारे से पूछा क्या, बोले बाहर के बाहर समझौता कर लिया ये वो, जबकि उन्होंने ही बोला कि लड़का आ गया समझौता कर लो तुम लोग। हाँ एक शिकायत प्राप्त हुई है इंदौर से, एक युवती आई थी, उसने बताया था कि एक खरगोन का एक युवक है जो उसके साथ में ये लिविंग में जिसने बताया था 3 साल से रह रहे थे, और इनके बीच में जो प्रेम प्रसंग था उसमें इसने इसको शादी का झांसा दिया था, और शादी का झांसा देकर ये 3 साल से इसके साथ में रह रहा था। इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत यहाँ पे 0 पर यहाँ पर हमने कोतवाली थाने में इसमें कायम भी करी है और इसमें आगे हम विवेचना कर रहे हैं। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।